नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अमित ब्लॉग स्टर में आप सभी का स्वागत है। मेरी तरफ से सभी को जोहर और आपको और आपका परिवार को दीपावली का हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों 12 तारीख आज है और 22 नवंबर से आप लोग का बोकारो होमगार्ड का रनिंग होने वाला। पहले आप लोग का रनिंग आप लोग का कुमार मंगलम स्टेडियम में होने वाला था, बट वहाँ पर बारिश की वजह से क्या हुआ कि ग्राउंड बहुत ज़्यादा खराब हो गया था और आप लोग का एक नया डेट दिया गया है दोस्तों 22 नवंबर से। और इस बार आप लोग का जो रनिंग होने वाला आप लोग का क्रिकेट स्टेडियम में आप लोग का बोकारो का सेक्टर 4 का यही है दोस्तों, जहां पर आप लोग का रनिंग होने वाला देख लीजिए। यहां पर ये ग्राउंड पे आप लोग का रनिंग होने वाला अभी, और यहां पर तैयारी भी आप लोग का शुरू से हो चुका है। घास वगैरह जो है कटिंग वगैरह शुरू हो गया। वहीं पर देखिए कल का डेट में दोस्तों एक वीडियो बनाए थे, तो एसपी जितना भी कमांडेंट वहाँ पर है सभी लोग वहाँ पर निरीक्षण करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर भी ग्राउंड बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसके वजह से जो पेड़ भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता था। इसकी वजह एक नया निर्णय लिया गया कि जो क्रिकेट स्टेडियम है सेक्टर 4 का, वहीं पर आप लोग रनिंग होने वाला पूरा एकदम क्लियर हो चुका। तो दोस्तों इस बार आप लोगों को क्या करना है कि अगर जोश के साथ लग जाइए, एकदम पूरा क्लियर है इसी ग्राउंड पर रनिंग होगा। ग्राउंड का बात करें तो ग्राउंड एकदम एक नंबर है, ग्राउंड में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्रिकेट ग्राउंड है तो आप लोग समझ सकते हो कि ग्राउंड को मेंटेन रखा गया आप शुरू से बारिश के टाइम से। अगर बारिश के टाइम में अगर इस ग्राउंड पर रनिंग करवाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। तो फिलहाल यहीं पर आप लोग रनिंग होने वाला बोकारो होमगार्ड का, बिल्कुल आप लोग जोश के साथ आप लोग लग जाइए और अपना तैयारी पे फोकस कीजिए। 22 नवंबर से एकदम तय हो चुका कि आप लोग रनिंग 100% होने वाला। तो दोस्तों ग्राउंड भी अच्छा खासा है, वहाँ सर आप लोग का जो एंट्री गेट होगा वहीं पे आप लोग का एंट्री गेट होगा और यहीं से आप लोग का रनिंग होने वाला। पूरा ग्राउंड पे अभी बना नहीं है टेंट वगैरह, लेकिन सफाई का बात बोले तो टेंट ग्राउंड का स्थिति बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं एकदम। आपका घर का जहाँ पर आप रनिंग करते हैं उससे मतलब बहुत अच्छा ग्राउंड है भाई। चलिए आपको बैकग्राउंड तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, कुमार मंगलम स्टेडियम के जस्ट बगल में ही दोस्तों आप लोग का क्रिकेट स्टेडियम है। इस बार आप लोग का इसी ग्राउंड पे रनिंग होने वाला, किसी प्रकार से इस ग्राउंड पे आप लोग दिक्कत नहीं होने वाला। कुमार मंगलम स्टेडियम में रनिंग होने वाला था, बट दोस्तों वहाँ पर निरीक्षण करने के बाद बहुत ज़्यादा डैमेज है ग्राउंड, जिसके वजह से दोस्तों निर्णय लिया गया फाइनल डिसीजन कि आप लोग का क्रिकेट स्टेडियम में ही आप लोग का रनिंग होगा दोस्तों। इसी पर दोस्तों देख लीजिए, बगल पर कुमार मंगलम स्टेडियम है, उधर से आप लोग आ सकते हो। और चलिए हम लोग देख लेते हैं ग्राउंड का स्थिति। देख लीजिए दोस्तों आप लोग, ग्राउंड एकदम पूरा तरह से एकदम कटिंग वगैरह घास का वगैरह बात कर लेते हैं। अगर कितना भी अगर बारिश भी आ जाता है इस ग्राउंड पे तो किसी प्रकार से आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाला। देख लीजिए आप लोग का, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ग्राउंड का साफ करने का मशीन वगैरह भी यहाँ पर है। बात करें तो दोस्तों मेंटेन का, इस ग्राउंड को बहुत ही अच्छा तरह से मेंटेन करके रखा गया, क्योंकि हमेशा यहाँ पर क्रिकेट वगैरह मैच वगैरह होते रहता है, जिसके वजह से दोस्तों इसको मेंटेन रखना पड़ा। और दोस्तों यहीं पर आप लोग का एंट्री वगैरह होगा, यहीं पर आप लोग का रनिंग होने वाला फाइनल डिसीजन है। तो चलिए दोस्तों आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग का एक नोटिस आ चुका है बोकारो होमगार्ड का। देखिए 22 नवंबर से आपको 7 दिसंबर तक आप लोग का चलने वाला इस बार फिजिकल, ये आपको बता दिया गया। 22 नवंबर का देख लीजिए आप लोग कब किसका होगा। सबसे पहले 22/11/2023 से आपको नवाडी सभी पुरुष सभी महिला, 23 को आप लोग गोमिया सभी पुरुष, और 24 को आप लोग का है चास प्रखंड महिला पुरुष सभी का आपको दिया गया। इसी तरह से आप लोग का दिया हुआ है, देख लीजिए पूरा आप लोग का ये डिटेल्स आपको। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जरीडी प्रखंड का दोस्तों पहला दिन में रनिंग हुआ था और वो लोग हंगामा नहीं किया था, वो लोग कीचड़ में ही रनिंग कर लिया था। बट दोस्तों दूसरा दिन में वहाँ पर हंगामा हुआ था, उस दिन दोस्तों जरीडी प्रखंड वाला भी आंदोलन किया था। बट दोस्तों क्या हुआ था, वहाँ पर निर्णय लिया गया था कि सभी को जो रद्द किया करके एक नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। बट दोस्तों जब नया शेड्यूल जारी हुआ था, फिर यहाँ पर जरीडी प्रखंड के यहाँ पर लिस्ट में किसी प्रकार से नाम नहीं देखा गया, और देखिए वो लोग का फिर से हो सकता है हंगामा हो सकता है इस रनिंग का प्रोसेस में दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको दिया हुआ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है ये आपको बता दिया था। देखिए दोस्तों इस बार आप लोग कंफ्यूज था यहाँ पर कि कहाँ पर किसका फिजिकल होने वाला था, वो आप लोग का कंफर्म नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एसपी डीएसपी जब निरीक्षण किया तब वहाँ पर आपको पूरी तरफ से यहाँ पर मालूम चल गया कि क्रिकेट वाला जो ग्राउंड है वहीं पर आप लोग का रनिंग का होने वाला। देखिए पूरी तरह से यहाँ पर आपको जो क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर आप लोग का होगा। हालाँकि दोस्तों आप लोग का कुमार मंगलम स्टेडियम में जो वहाँ पर परीक्षण करने के लिए आए थे एसपी डीएसपी, तो वहाँ पर देखने के लिए आए थे कि इस बार क्या किया जाए, तो बिल्कुल ग्राउंड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है अभी तक दोस्तों, जिसके वजह से निर्णय किया आखिर डिसीजन लिया गया क्रिकेट स्टेडियम पे ही आप लोग का रनिंग होगा दोस्तों। और इस बार आप लोग का रनिंग होगा तो आप लोग का जो भी आपके साथ आएंगे सभी लोग देख भी पाएंगे, बाहर से भी अगर आप लोग रनिंग करता है किस तरह से रनिंग होगा सारा आप लोग देख भी सकते हो। अब हम लोग चलिए देख लेते हैं आखिर आप लोग का कितना आप लोग का डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है। देखिए आपको यहाँ पर बता दिया गया है टोटल जो वैकेंसी आप लोग का ग्रामीण का 320 है और शहरी का आप लोग का 233 है। सर आप लोग का डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या लगेगा वो भी आप लोग चलिए, कहाँ पर कितना सीट है ये आप लोगों को बता दिया गया। और देखिए एक चीज़ बता रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग का बात
कि अगर आप लोग ग्रामीण शहरी से अगर भरे हो, ग्रामीण से अगर आप लोग भरे हो न्यूनतम 7 पास आप लोगों को बताया गया, शहरी से आप लोग का 10 पास आप लोगों को बोला गया। हालांकि तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया यार। अब देखिए हम लोग नीचे आते हैं, देखिए आप लोगों का हाइट वगैरह तो आप लोग सभी लोग को मालूम चली गया, एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को ताकि किसी प्रकार से दिक्कत ना होगा। और देखिए आप लोग का इसमें एडमिट कार्ड नहीं आएगा, बहुत लोगों को कॉमेंट कर रहे थे कि भैया एडमिट कार्ड फिर से आएगा क्या, तो एडमिट कार्ड आने का कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा। जो आप लोग लास्ट में फॉर्म भरे थे वो जो स्लिप मिला था वो स्लिप से हिसाब से आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी का हिसाब से सारा प्रोसेस होने वाला है। अब चलिए दोस्तों हम लोग नीचे की ओर आते हैं, देखते हैं यार आप लोग का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही दिन में आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ आप लोग का होने वाला। देखिए सबसे पहले आवासीय प्रमाण पत्र आप लोग का और जन्म प्रमाण पत्र, अगर आप लोग 7 पास TC और 10th का जितना भी आप लोग का सर्टिफिकेट मिला है, एडमिट कार्ड वगैरह जो भी है सारा आप लोग को लेके आना। नीचे की ओर हम लोग देख लेते हैं एक बार, ये आप लोग देखिए शैक्षणिक योग्यता, जाति, आवासीय सब कुछ आपको लेके आना है, करेक्टर वगैरह जो भी आप लोग का है सारा आप लोग को वहाँ पर लेके आना है। बस यहाँ पर आप लोग को बताया गया, बाकी देखिए अभी सब कुछ यहाँ पर हो चुका, पूरा नोटिफिकेशन आपको बता दिया गया। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स में आप लोग का सारा डॉक्यूमेंट्स ये आप लोग देख लीजिएगा, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा जो भी आप लोग देख रहे हो। डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत नहीं कीजिएगा, एक ही टाइम आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एक ही दिन में होगा, इसलिए डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार से आप लोग दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आई होप आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट अपडेट पर दोस्तों।